हेलो नाना जी, चा ले लो। काफी अच्छा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग में हमारी मातोश्री। में कल रात को रुके थे, कैमरा का बैटरी जो है डाउन हो गया था। ये रूम है, वही रूम लिए थे क्योंकि रात को बहुत थक गए थे। लगभग 10:30-11 बज चुका था, तो हम लोग नासिक में स्टे कर लिए दर्शन करने के बाद। तो आज हम लोग निकलेंगे सीधा रायपुर के लिए। हम लोग शिरडी नहीं जा रहे हैं क्योंकि शिरडी में बहुत ज़्यादा आज रश रहता है, और अभी न्यू ईयर चल रहा है, वेकेशंस चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है और 6-7 घंटे लाइन में लगना लग जाता है, मतलब लगने में टाइम लग जाता है। तो कभी और दर्शन करेंगे, अभी निकलते हैं रायपुर। आज रात तक पहुंच जाएंगे, होप सो। यहाँ से 16 घंटे की ड्राइव है, और बीच में एक्सप्रेसवे आता है, उसमें अगर कवर हो जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ देखेंगे रात के 12 बजे तक एटलीस्ट पहुंच जाएं। और ये देखिए यहाँ से व्यू, होटल से व्यू, ये रास्ता है मेन, और ये होटल है बहुत सारे यहाँ पे। थोड़ा सा हम लोग अंदर आए हैं, रेलवे स्टेशन के पास में है ये। यहाँ से बस सामान समेटते हैं फिर निकलेंगे। ये नहा रहे हैं अभी। ये थोड़ा सा ब्रेक वाला ट्रिप था मेरा, मतलब थोड़ा सा बहुत दिन से मैं कहीं गया नहीं था, तो इधर थोड़ा काम भी था, कई लोगों से मिलना था, इस वजह से भी मैंने ये ट्रिप किया था। और बीच बीच में ज़्यादा अच्छे से व्लॉगिंग हुआ नहीं है क्योंकि डिपेंड करता है कैसा मूड रहता है इस वजह से, तो उसमें भी थोड़ा सा हॉच पॉच हुआ होगा वीडियो, मतलब आगे पीछे बना होगा। और भैया गोवा वाले मज़े यस मैं लेकिन फुल पैंट पहना हूँ आज, थोड़ा लोअर जैसे है बट अच्छा है, कंफर्टेबल है, ड्राइविंग में अच्छा रहता है। नेविगेशन के लिए हाफ पैंट थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, तो मैं देखता हूँ। आप तो रिलैक्स होके बैठोगे ना? हाँ, तो रिलैक्स होके बैठ के आपको रास्ते बताएंगे। भाई देखो सुबह सुबह उठ के हम यही करते हैं अभी फिलहाल, तो सफाई जरूरी है, लंबा चलना है, 16 घंटे की ड्राइव है, तो आज साफ़ सफाई कर लेते हैं अच्छे से, रोज करते हैं वैसे। ब्रश बहुत काम का आया है, बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा है इसमें, मतलब कोई टेंशन नहीं, बस ऐसी एक बार वो कर लो ना, स्क्रेच आता है ना कुछ हल्का सा डस्ट वगैरह रहता है ना, वो आराम से इसमें निकल जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर हैं समर्थ वड़े वाले वड़ा पाव। यहाँ पर पाव वड़ा, वड़ा पाव अलग आता है, बोलते हैं वड़ा पाव खाते हैं। कौन सा चैनल है? केके राइड है। तो अभी वड़ा पाव और पाव वड़ा दोनों खा के देखेंगे। खोलने का है इसको, ऐसे मसलने का है। अरे अरे हवे में मसलने का है ना, तभी तो अंदर जाएगा ये। ऐसे मसलने का है और उसको डाल के ऐसे स्क्वीज करने का, मस्त मसलने का, ऐसे खाने का। जी ये जो है ना हमारे यहाँ पे आलू गुंडा, आलू गुंडा, उसी को गुंडा के ऊपर में ये ब्रेड को लपेट दिया गया, पर कोई और कुछ नहीं है। ये देखो चाह, जैसे चाह बोलते हैं, चाय को चाह। हेलो नाना जी, चाह ले लो। चीयर्स। चीयर्स। नाना जी का चाय बढ़िया है। अभी हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग आ गए हैं। कैमरा हाय बाय बोल रहे हैं, दिखा दे। हाय बाय, मैं दिखाता हूँ, इधर है। अब मतलब एक बच्चा था, फिर अपने गैंग को बुला लिया, पूरे साइकिलिस्ट को। दो ब्लॉगर आए हैं, चाय पी रहे हैं, भाई बोल के बुला लिया है। कहाँ के ब्लॉगर हैं करके? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आदित्य नाम है भाई, सबसे पहले देखे थे। व्हाट इज योर नेम? हिमांशु सचिन कटारे। हिमांशु भाई आप अपने सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा, इनका नाम है केके राइडर। केके राइडर। और मेरा नाम है चिंतामणि जयपुरी। हम लोग एक्चुअली बाइक राइड करते हैं, इस बार हम लोग कार में हैं। कार से आए हैं। आप लोगों को बाइक अच्छी लगती है? मोटरसाइकिल इनके पास है, डोमिनर 400, मेरे पास है RR 310, बेबी टाइगर। ऑल इंडिया राइड, कश्मीर लद्दाख वगैरह करते हैं। सब्सक्राइब करना। मोबाइल है? अभी क्या कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं? एग्जाम था। एग्जाम देखे कैसा रहा? एग्जाम मस्त, चलो बढ़िया।
नाइस टू मीट यू आर। चलो अच्छा लगा तुम लोग से मिलके। यहाँ से समृद्धि एक्सप्रेस जो है 501 किलोमीटर का नागपुर तक जाती है, वो शायद स्टार्ट हो रही है ना यहाँ से। हाँ यहाँ से होगी, मतलब यही से होगी ना, यही से होगी। हाँ तो यहाँ पे हमने देखा कि जाम वगैरह मिल रहा है, बिही अमरूद जो बोलते हैं, तो यहाँ पे लेने के लिए रुक गए हैं। ये अपना वो है बोर, बोर बेर, बेर ले लेते हैं। हाँ उसको भी ले लेते हैं, बेर ले लेंगे, बिही ले लेंगे, खाते हुए चलेंगे, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा भाई, 501 किलोमीटर लंबा है पैच है ये। यहाँ पे रुके हुए थे तो एक सर मिल गए। हेलो सर, दीपक सर हैं। अचानक कैमरा देख के बोले कि क्या चैनल है करके, तो सब्सक्राइब भी कर लिए, अच्छा लगा, थैंक यू। सो भाई साहब, अभी हम लोग एक्चुअली शिरडी के एकदम पास नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बाईपास होके जा रहे हैं, और आगे समृद्धि एक्सप्रेस जो बाला साहब ठाकरे जी के नाम से रखा गया है उस रोड में जाएंगे, तो हम लोग तो शिरडी जा नहीं पाएंगे, तो यहीं से प्रणाम कर लेते हैं दूर से। ओम साई राम, जय साई बाबा। और कभी आएंगे तो अच्छे से दर्शन करेंगे, आज रश ज़्यादा है, और विद फैमिली, और वो फैमिली के साथ ही अच्छा लगेगा। हाँ। अभी ज्योतिर्लिंग का जो था वो तीनों हमने कर लिया, वो अच्छा लगा। तो अभी समृद्धि एक्सप्रेस में मिलते हैं आपको। भाई हम अभी आ चुके हैं को पिलियन सीट, मतलब को राइडर सीट में, को ड्राइवर को पिलियन ये क्या होता है को ड्राइवर सीट में आ गए हैं, क्योंकि हमको थोड़ा रेस्ट चाहिए था, कंटिन्यू चला रहे थे 150+ किलोमीटर। अभी चिंतामणि जी चला रहे हैं, भैया जी चिंतामणि जी बुलेट सिंह बुलेट सिंह बोझर ने व्लॉग डाल दिया है, तो उनको देख रहे थे। ये देखिए, तो उसको एंजॉय करते हुए जा रहे हैं देखते हुए, और मैं रास्ते को एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत हाईवे है भाई। कैसा लग रहा है भैया गाड़ी? गाड़ी तो बहुत ही मक्खन चल रही है, सड़क भी इतना मक्खन है, और रायपुर वालों के लिए बहुत अच्छा है कि अगर मुंबई आना हो या शिरडी आना है, नासिक आना हो, तो नागपुर से डायरेक्ट ये एक्सप्रेस वे द्रुतगामी मार्ग है। द्रुतगामी मार्ग हिंदू हृदय सम्राट महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग इसका नाम है। बाप रे इतना लंबा नाम, और जितना लंबा नाम है हाईवे भी उतना ही लंबा है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस 701 किलोमीटर। तो आप भी आइए इस हाईवे में, और क्या एंजॉय कीजिए, देखिए समय बचाइए, कितना खूबसूरत है। आपने ड्रोन शॉट तो देखा ही होगा, और हमारे केदार जी बाबा केदारनाथ, इन्हीं की कृपा थी कि हमने तीनों ज्योतिर्लिंग कर लिए यहाँ पे। बुलावा था मजा आ रहा है। अभी व्लॉग देखता हूँ मैं, और रेस्ट करता हूँ थोड़ा, कहीं पेट्रोल पंप मिलेगा तो वहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि फ्यूल अप भी कराना, 200 किलोमीटर का रेंज बाकी है, डी टूर करना लंच पड़ेगा, भी कर लेंगे। लंच भी कर लेंगे, भूख लगी यार बहुत। भाइयों देखो कितना खूबसूरत रास्ता है, एकदम आप 120 की स्पीड लगातार मेंटेन कर सकते हो, और अभी हम लोगों ने कार की टॉप स्पीड चेक करी, जो नहीं बताएंगे कि क्या हमने अचीव करा। आगे एक टनल आ रहा है, देखो इस पहाड़ को काट के टनल बनाया गया है, ताकि आपकी स्पीड कम ना हो, आपको ब्रेक ना दबाना पड़े, आपको क्लच ना दबाना पड़े, गियर डाउन ना करना पड़े। सही है, छोटकू सा टनल है ये। ये
इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में रुके थे, 3200 का पेट्रोल फिलअप कराया और यहाँ पे बढ़िया पानी भर लिए थे भाई। यहाँ पे इस जगह पे एक्वा गार्ड है और लगा हुआ है, भैया भरे हैं मैं अभी। हाँ अच्छा किए, और एक बारी वाइपर चला दूँ, मैंने पानी डाला उसमें। यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश हो गया, चाय वाय भी पी लिया, चाय टपरी है अच्छा था। मैं तो कॉफ़ी पिया और इसको और मैं खाऊँगा अभी। इधर तो ठीक होगा ना, इधर साफ नहीं हुआ। सो फ्यूलिंग कराने के बाद हम लोग रिफ्रेशमेंट ले लिए, चाय पी लिए, ये साहब चाय पी लिए, मैं कॉफ़ी पिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मजा आ रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग में हमारी कार चला चल रही। मातोश्री, मातोश्री, मातोश्री नाम रख दिए, चेंज कर दिए। एक्चुअली नया बना है ना, अभी 11 दिसंबर को ही उद्घाटन हुआ है। इस वजह से क्या है, इस रोड बहुत सारी चीज़ें ओपन नहीं है, जैसे आगरा एक्सप्रेस में होता है ना, क्या बोलते हैं, खाने पीने का फूड कोर्ट, वो सब अभी बना नहीं है, बट फ्यूचर में एक साल के अंदर हो जाएगा लग रहा है। पेट्रोल पम्प है, पेट्रोल पम्प बीच बीच में है, वो जा सकते हो, बढ़िया है। ओके देखो सड़क, देखो सड़क ही देखते हैं और क्या करेंगे। इस वक्त बज रहे हैं 4:30 और नागपुर है यहाँ से ओनली लगभग 130 किलोमीटर्स। कैसा डिस्टेंस कवर हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग देख सकते हो सड़क कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मक्खन है मक्खन भाई। नागपुर 107 किलोमीटर अच्छा लग रहा है। भाई साहब ये देखो हाईवे कितने मज़े आ रहे हैं, अभी जस्ट नागपुर बचा है 96 किलोमीटर समथिंग और भाई साहब ही चला रहे हैं अभी गाड़ी। मैं ये देखो, मैं तो इनको दे नहीं रहा, जब तक ये हाईवे चल रहा है मैं ही चला रहा हूँ भाई, उसके बाद तो मुझे ही चलाना है। तो बहुत मज़े आ रहे हैं और इस हाईवे में मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग पहले ऐसे यूट्यूबर होंगे जो अपने व्लॉग में इसको कैप्चर कर रहे हैं, तो आगे जितने भी ट्रेवल करेंगे उनके लिए जानकारी मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा। और जब भी इस हाईवे में आओ तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेट्रोल अच्छे से फिलअप करा लो और फूड वूड रख लो, क्योंकि बीच में नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग है। बीच बीच में एक पेट्रोल पम्प आते हैं, इस तरफ तो अभी 2 आए थे और इस तरफ 2 आए थे, तो 100-150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ रहे हैं ना भैया। दो निकले हैं और काफी अच्छा डिस्टेंस कवर कर लिए भैया ने, तो मस्त गाड़ी का जो लिमिट रहता है वहाँ तक चलाया है। नंबर नहीं बता सकते, एकदम जा सकती है उतना इसको लेके गया है। रात में अच्छा ड्राइवर है, डिस्टेंस कवर करना है तो रात में डिस्टेंस कवर करो तो भी सेफ है काफी। और दिन के टाइम सफ़र करोगे तो भाई ज़बरदस्त, क्योंकि ना इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, पहाड़ों के बीच से होके जाती है ये हाईवे और टनल आते हैं बीच बीच में, मज़ा आ जाता है। और आसपास जो विलेज दिखते हैं महाराष्ट्र के वो भी अच्छे लगते हैं, जंगल आते हैं बीच में, तो वो एक तरह से ये हाईवे ना ज़बरदस्त है। रात को भी 120 का स्पीड मेंटेन कर सकते हो आराम से। चलो मिलते हैं आपको आगे, जैसे ख़त्म होता है तो मज़ा आ गया। आ रहा है आगे भी आएगा भाई। छत्तीसगढ़ चालू होगा तो और मजा आएगा, घर पहुंचेंगे तो। भाइयों अब केके राइडर का परिंदा जाने वाला है आसमान में और आसमान की ऊंचाइयों से आपको हाईवे दिखाते हैं। खूबसूरत सनसेट हो रहा है, सेलिब्रेट करना पड़ेगा। कर लो येलो लाइट है, मजा आ जाएगा आपको ड्रोन शॉट देखने में। तो ये हो रहा है ड्रोन का कैलिब्रेशन। एग्जिट कर रहे हैं भाई यहाँ से, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। और कितना लगता है टैक्स कटता है दिखाते हैं, क्योंकि रोड टैक्स
भी लगेगा यहाँ पे। और अभी एंट्री पॉइंट 25 रुपये रहता है वैसे, अब एग्जिट में पता चलेगा कितना हम लोग ने किया डिस्टेंस तो कितना कटेगा। अरे टैक लिखा हुआ है, अब देखो मैसेज आएगा तो पता चलेगा अभी पेटीएम का। फाइनली एग्जिट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल हाईवे। अब वापस वही अपना हसल मसल वाला रोड है, हसल, सिंगल रोड ऐसे वैसे ऐसे करके, ना ट्रैफिक और कोई भी कहीं से गुजरेगा अभी। पेट्रोल पंप है टोल टैक्स के पास, दो पेट्रोल पंप है, एक इस साइड एक इस साइड। एड भी हो गया, ट्रांजिशन फेस है एकदम। 10:05 हो रहे हैं थर्सडे मतलब 29 दिसंबर, और अभी हम लोग हैं राजनांदगांव में। मतलब बहुत कवर कर लिए भाई, बहुत कवर कर लिए। और मैं बताना भूल गया ना कितना कटा था वहाँ पे टोल टैक्स, तो ये अपना टोल टैक्स कटा था 900 रुपये उस एक्सप्रेसवे में चलाने का। 550 किलोमीटर लगभग हम लोग चलाए हैं पेट्रोल अलग। डिनर करने के लिए तो डिनर करते हैं, भूख लगी बहुत देर से लगा हम लोग, क्या सोच भाई भाई मैं बता रहा हूँ ये वाला अच्छा नहीं है, यहाँ पे क्राउड कम है, ये यहाँ पे लगभग 150-200 किलोमीटर। हाँ फिल्टर हम लोग भंडारा से ऐसी करते करते आ रहे हैं और राजनांदगांव पहुँच गए सोचो। हाँ यार 8 बजे बोलते बोलते 10 बज गया। चलो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो छत्तीसगढ़ी खाना खाएंगे। चलो मिर्ची नहीं होगा इसमें, वैसे ये शेरे पंजाब ढाबा है तो वो ढाबा होगा पंजाबी। यहाँ भी फिल्टर में जाएगा तो नहीं पता। तो भाई साहब हमारा देखो खिचड़ी आया है, इतने दिन बाद खिचड़ी खा रहे हैं हम, और क्योंकि रात भी हो गया ज़्यादा खिलाता नहीं, खिचड़ी वेस्ट है। और चना मसाला भी आ गया, चना मसाला भी आ गया, रोटी भी आ गई। अच्छा वाह, तो पहले तंदूर रोटी खाते हैं। अरे चपाती मंगाना था। हाय दिल का सुकून, सुबह से वड़ा पाव खाए थे अपनी माता श्री छोटी अम्मा, मस्त परफॉर्म किया यार, मस्त। लॉन्ग ड्राइव के लिए भी बहुत अच्छा है ये। अब यहाँ से बस 1.5 घंटा लगेंगे। शानदार शानदार, फाइनली पहुँच गए भैया के घर। 1:47 का एस्टिमेटेड अराइवल था और 12 बजे पहले पहुँच गए तो अच्छा था। बाकी हम लोग निकले थे 10:30 बजे नासिक से, इतना ब्रेक भी लिए थे फोटोशूट खाना पीना, फिर भी कवर कर लिए। भैया तो पूरा सो गए थे, अभी उठे जहाँ से खाना खाए थे ना राजनांदगांव, वहाँ से सोए सोए आए। अब मैं गाना सुनते हुए आ रहा था क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं था। चलो भैया ओके, केके राइडर पे मिलते हैं, जय श्री कम जय श्री समय महादेव और जय गणपति जी। केके राइडर की वजह से 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए मेरे। ओके चलो।